जनवरी को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी के धंसने से मिट्टी में हमें सुरंग मिली थी, और उस समय पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसपास के एरिया को कॉर्डन करते हुए ये पता लगाया कि किस तरह ये सुरंग किस दुकान में जा रही है और किस तरह के लोग उस दुकान में आते थे, उनका क्या हुलिया था, और तब हमारे पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिस कारण से काफ़ी अच्छी लीड मिली हमको। ये सुरंग ये कब से खोद रहे थे, इनका कहाँ ये कहाँ रहते थे, इन्होंने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर रेंट एग्रीमेंट इस दुकान का लिया था, और किस तरह से ये रहते भी अलग जगह थे, वहाँ अलग अलग नामों का प्रयोग करके इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, काफ़ी तकनीकी सहायता लेते हुए, कॉल्ड के CDR का एनालिसिस करके हमारी पुलिस टीम ने 10 दिन के अंदर जो दो मेन आरोपी थे, जो इस षड्यंत्र का मेन सूत्र था, उसको पकड़ा, उसके मेन सहयोगी को पकड़ा, साथ में 10 दिन इनका पीछा किया। इस 10 दिनों में ये गुजरात, महाराष्ट्र, UP, जगह जगह टीम इनके पीछे पीछे लगी रही, और फिर इनको धारावी से पकड़कर हम इन्हें लाए, और इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी था इन दोनों के ऊपर। तो टीम ने बहुत मेहनत करके उच्च अधिकारियों के डायरेक्शन में इनको पकड़ा है, और इनका जो सहयोगी था, जो इनको फरारी में इनकी मदद कर रहा था, उसको भी पकड़ लिया है, और आगे से आगे जैसे लीड मिलती जाएगी तो अब इनका एक मुख्य अन्य आरोपी बचा है, उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। देखिए, पूर्व में एक आरोपी पकड़ा गया था और अब 3 आरोपी और आए हैं। और भी खुलासे हो सकते हैं? अभी जो देखिए, अभी इनका प्रॉपर इनको रिमांड में लेके इनका इंट्रोगेशन किया जाएगा, और फिर इंट्रोगेशन से हम आगे, अभी तक हमारे पास एक अन्य व्यक्ति का नाम तो है जो इनके साथ था, और भी अगर इनके कोई सहयोगी हैं तो उनका भी नाम आ जाएगा। हाँ, जो इनका ये जो रिजवान जो है व्यक्ति, जो जिसका ये आइडिया था, उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, ब्याज था, और उसने जल्द किस तरह से मैं क्राइम के ज़रिए कुछ दिनों में अमीर बनूं, और इस तरह का उसका कोई प्लान था जैसे उसने ये षड्यंत्र रचा, तो इसने इनको पैसे का प्रलोभन देके ही ये टीम तैयार की थी, और काफ़ी पैसों का इनको प्रलोभन दिया गया था कि अगर इनका ये प्लान सक्सेसफुल होता तो इसमें बैंक रॉबरी तो होती, दो बैंक थे, जैसे एक गोल्ड का गोल्ड शोरूम भी था, तो काफ़ी इनके काफ़ी पैसों का प्रलोभन देके ये टीम तैयार की गई थी। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए भी दिया गया, क्या पुलिस उन पे भी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए, इसमें कोई लीगल कार्रवाई नहीं बनती है इस तरह से, क्योंकि इनको धोखे में रख के इन्होंने इकरारनामा और ये तैयार किया। लेकिन हाँ, इससे ज़रूर मैं जनता को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास, हम बार बार ये जागरूकता भी करते हैं कि आप किसी भी किराएदार को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराया ना दें, और इस बात पे आप आगे भी ध्यान रखना चाहिए भविष्य में भी, तो ये एक लेसन भी है सबके लिए। देखिए, इसने एक फ्रंट खोल रखा था, क्योंकि ये लोन देने का काम इस तरह का, इसने एक फ्रंट खोल रखा था, अपनी दुकान इस बहाने से ली थी कि मैं लोन देने का काम करता हूँ, और मुझे लगता है इसने ये भी मोडस ऑपरेंडी इसीलिए अपनाई होगी ताकि ये बैंकों में जा सके, वहाँ का देख सके कि सिक्योरिटी क्या है, क्या टाइम ओपनिंग है, तो कोई इसको रोके ना। अगर ये बैंक में रोज़ भी जाए तो ये इस भी बहाना कर सकता है कि मैं तो लोन एप्लीकेशंस और ये सब का काम करता हूँ। देखिए, अभी ये अनुसंधान का विषय है कि ये क्या पहले कितने दिन पहले आए थे, इन्होंने रेकी जालपुरा के घर में जो इन्होंने निवास लिया था वहीं से की थी, या किसी और के यहाँ रुक कर की थी, किसी और की सहायता ली थी, ये सब अनुसंधान का विषय है। रिजवान के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं, क्या लगता है कि ऐसे तरीके से मुकदमे हैं? नहीं, अभी तक जो आपराधिक रिकॉर्ड हमको मिल पाया है वो सब 400BC चीटिंग इसी तरह के मुकदमे हैं, इसमें इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी के मुकदमे नहीं है। पहले भी इन्होंने फर्जी सिम ली होंगी? वो काफ़ी सारी सिम्स इन्होंने अलग अलग नामों से ली है, फर्जी सिम ली है, या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जैसे आपका दे दिया, मेरा दे दिया, किसी रिलेटिव का दे दिया, किसी दोस्त का दे दिया, इस तरह से लिया है।
तो ये सब अनुसंधान का विषय है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स सिम लेने के लिए दिए हैं वो किस किस के हैं, किस बहाने से दिए गए, और क्या वो फर्जी डॉक्यूमेंट थे या प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन से पता चलेगा कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। कुछ प्रोसेस होगा जिससे वेरिफिकेशन हो सके कि जो सिम लिया जा रहा है वो उचित व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, तो उसके बारे में। देखिए, जो भी सिम कंपनीज हैं और जो भी सिम दे रहे हैं, जो दुकानें दे रही हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक सिम देने से पहले एक तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और देना पड़ता है, उसकी वेरिफिकेशन ठीक से करें, और दूसरा एक ही एक डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत सारी सिमें मत जारी करें, एक साथ भी बहुत सारी सिमें ना जारी करें एक व्यक्ति को। ट्राई का निर्देश है 6 सिमों से ज़्यादा नहीं ले सकता कोई। हाँ, बावजूद इसके अनाप-शनाप जो सिमें हैं वो दी जाती हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिए हैं नहीं, ज़रूर करेंगे हमारे जो इसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे, पर पहले हम देखेंगे कि उनकी क्या संलिप्तता थी, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो इन्होंने देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाई, भाई वो अपने लोन एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देकर गए होंगे, इन्होंने उसको सिम लेने में यूज़ कर लिया, तो इस तरह का तो इन्होंने किया ही है ना। एक सवाल आपसे ये था कि जब इन्होंने बाहर थारी काटी तो क्या पुलिस जो निजाम थारी काटी उनको भी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए, अब मान लीजिए इन्होंने होटल में फरारी काटी, या मैं आज मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाऊँ और बोलूँ भाई मैं तो 2-3 दिन बॉम्बे घूमने आई हूँ या मैं यूपी घूमने आई हूँ, तो इसमें हर किसी को इस तरह से बिना वजह घसीटना भी इट्स नॉट गुड। मैं कह तो रही हूँ कि जयपुर में अगर इन्होंने किसी का सहयोग लिया है तो पहले हम वहाँ तो कार्रवाई करें, ये तो अनुसंधान करें। फरारी इन्होंने कहीं होटल में काटी है, धर्मशाला में काटी है, कहाँ कहाँ काटी है, वो तो अब हम देखेंगे, अब इनसे अनुसंधान करेंगे।